ये गूढ़ विषय को लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं और हमारे मुख्य विचारक जो अपनी बात कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, उन्होंने तय किया है कि हम संघर्ष की चेतना और उसका सौंदर्य पर बात करें। विषय बड़ा गूढ़ लगता है और संघर्ष को लेकर हमारे मनों में जो पौराणिक विचारधारा है उनको तोड़ता हुआ एक नया आकाश खोलता है हमारे लिए, जहां हम ये समझने लगते हैं कि इस संघर्ष के पीछे सौंदर्य कितना है। हमारी हमारा जो सोच है, हमारा बोध है देखने का, समझने का चीजों को, वो एक नया आयाम पाता है। तो मैं अधिक नहीं बोलूंगा। हमारे बीच डॉक्टर मनु शर्मा है, आप यहाँ के स्थानीय गवर्नमेंट कॉलेज से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, हिंदी के विभाग के हेड रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और न जाने कितने साहित्यिक पत्रिकाओं में आपके आलेख छपे हैं, कहानियां छपी हैं और बहुत अच्छे कवि हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कविता के माध्यम से तो लोग पहचान ही रहे थे उनको, आपने गजलों के क्षेत्र में भी कमाल किया है और जल्दी ही इनकी एक किताब हमारे सामने आने वाली है जिसके माध्यम से हम इनकी लेखनी को गजलों में रचा बसा भी देख पाएंगे। तो डॉक्टर मनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों जी, आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर अपनी बात रखने जा रहा हूं जिस विषय को लेकर के सामान्यतः लोगों की कोई बहुत अच्छी सोच नहीं, समझ और सोच नहीं हुआ करती है। ठीक, हालांकि कहने को हम कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है जी, और ये छोटा सा वाक्य जितना सुनने में सहज लगता है, अगर इस वाक्य की हम व्याख्या करने बैठे तो उस व्याख्या के जितने आयाम होंगे वो सारे उन आयामों के ऊपर विचार करते हुए हम जिन निष्कर्षों को प्राप्त करेंगे वे निष्कर्ष हकीकत के अंदर संघर्ष का सौंदर्य है। बहुत अच्छी, क्योंकि संघर्ष के बारे में ये भी कहा जाता है कि संघर्ष जीवन का पर्याय होता है, संघर्ष अच्छा क्यों लगता है, संघर्ष जीवन की दिशा बदल देता है, संघर्ष से जीवन में गुणवत्ता कैसे आती है और संघर्ष से जीवन कैसे क्रियाशील बनता है, ये तमाम जो है वो ऐसे बिंदु हैं, ऐसे पहलू हैं जिनके उत्तर तलाशते हुए, जिन प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए हम एक ऐसे स्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं जहां हमें ये लगने लगता है कि वास्तव में यही संघर्ष का सौंदर्य है और इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर मैं तलाशने की कोशिश करता रहा हूं अपने इस आलेख के माध्यम से। हालांकि आलेख की अपनी सीमाएं होती हैं, इसलिए मैं उतने विस्तार के अंदर शायद अपनी बात नहीं कह पाऊं, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस बात को मैं स्थापित करना चाहता हूं, जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, वो बात पूरी तरह से पाठकों तक आसानी से पहुंचे और पाठक उसे स्वीकार करें। कई बार हम देखते हैं कि जो निरंतर संघर्ष करने वाले लोग होते हैं उन लोगों के अंदर एक खास तरह का जुझारूपन, एक खास तरह का आत्मविश्वास, धीरज, सहनशीलता, उदारता, अपराजयता, समन्वय और जबरदस्त
आशावाद उनके अंदर देखने को नहीं आया। ऐसे लोग बार बार असफल होकर भी कभी जीवन से विमुख नहीं होते हैं और निराशा तो उन्हें छू भी नहीं पाई। दरअसल इसी तरह के लोगों के कारण हम ये कहने का साहस जुटा पाते हैं कि संघर्ष जीवन है। ठीक, संघर्ष व्यक्ति की को जो है वो एक तरह से मुक्ति कामी बनाता है। वो संघर्ष ही है जो उसे उसे विभिन्न प्रकार की जो दास्ता होती है उस विभिन्न प्रकार की दास्ताओं से जो है अपने आप को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। और अपने अब वो जो है वो विभिन्न प्रकार की दास्ताएं कैसी हैं, जैसे अपने आप से संघर्ष करते हुए आदमी अपनी वैयक्तिकताओं से मुक्त होता है। ये संघर्ष उसके मन के अंदर जो मैंपन होता है, जो अस्मि भाव होता है, जो हूं होती है, हूं अगर मैं राजस्थानी जो है काम में ले तो वो जो हूं होती है उस हूं से उसको मुक्त करता है। इसके साथ ही साथ दास्ता से संघर्ष उसमें स्वतंत्र होने की चेतना जगाता है। जड़ताओं से संघर्ष उसे तर्कशील बनाता है। तर्क से संघर्ष उसे अनुभव में प्रवृत्त करता है और शास्त्र से संघर्ष उसे लोक से जोड़ता है। सिद्धांत से संघर्ष उसे व्यवहार कुशल बनाता है। कहने का आशय यह है कि संघर्ष उसे एक ऐसा खुला आकाश देता है जिसमें वह अपने पंखों को पूरी तरह से फैला कर उड़ सके। संघर्ष वैचारिक दृढ़ता के साथ सोई हुई शक्तियों यानी बिखरे हुए विचारों को एकत्रित होने का अवसर देता है, उनमें परिवर्तन की संभावना पैदा करता है, निराशा की परतें तोड़कर आशा को अंकुरित होने का अवसर देता है। साथ ही संघर्षरत व्यक्ति की सोच को सामाजिक और मानवीय स्वीकृति देकर उसको भी विस्तार देता है। संघर्ष चेतना ही पतझड़ में वसंत की आहट को पहचानने का हौसला दिया। क्या सुंदर, क्या बात, सुंदर सुंदर। वही उजाड़ में अखवें खोजती है, लहलहाते खेतों को पाला मार जाने पर वही किसान को टूटने से बचाती है। निसंदेह संघर्ष और सृजन में गहरा रिश्ता है। संघर्ष जितना सघन होगा सृजन उतना ही विलक्षण होगा। क्या बात, बहुत अच्छा। संघर्ष जितना सघन होगा सृजन उतना ही विलक्षण होगा। जब हम संघर्ष के सौंदर्य की बात करते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ है संघर्ष की अनुभूति के इंद्रिय रूपांतरण की तरकीब। ठीक, संघर्ष का सौंदर्य क्या है उसका वो उस संघर्ष की अनुभूति का इंद्रिय रूपांतरण। आप संघर्ष करते हुए व्यक्ति को देख करके जो कुछ अनुभव कर रहे हैं उस अनुभव को आप इस रूप में प्रस्तुत कर दे कि सामने वाला जो है आपकी बात को सुनकर के और या तो रोमांचित हो या उसके आगे कोई दृश्य उपस्थित हो जाए या वो जो है वो अपने आप को जो है वो किसी ऐसे ऐसे भाव से अभिभूत अनुभव करने लगे कि उसको लगे कि ये तो वास्तव में जो है अपने आप में अद्भुत है। तो ये जो चीज है ना, यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि वो जो संघर्ष की अनुभूति है एक तरह से वो संघर्ष की अनुभूति बिंबित हो सके, उसका इंद्रिय रूपांतरण आप कर सके, वही उसका उसकी जो है ना उसका सौंदर्य है। उस तरकीब को अगर आप तलाश लेते हैं तो वही उसका सौंदर्य है।
देखा जाए तो विचारों और अनुभूतियों को इंद्रिय रूप में ढालना ही सौंदर्य सृष्टि कहलाता है। बहुत अच्छे। जिस विधि से ये किया जाता है उसका अध्ययन सौंदर्य शास्त्र है। मनुष्य जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आता है प्रकृति से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। यह संघर्ष या द्वंद्व प्रकृति की पूर्णता और स्वयं की अपूर्णता को लेकर होता है। यो भी कह सकते हैं कि प्रकृति में जो कुछ है पर्याप्त है, पूर्ण है, उसकी तुलना में मनुष्य खुद को अपूर्ण और असंतुष्ट मानता है। उसका यह असंतोष एक एक कर असीम हो जाता है और फिर मनुष्य और प्रकृति का यह द्वंद्व जीवन के जाने किन किन क्षेत्रों में प्रकट होने लगता है। कोट द्वंद्व में गति है और जीवन भी कुछ द्वंद्व ही है। प्रत्येक द्वंद्व एक निर्णय लेकर आता है, वह निर्णय स्थिति का निराकरण न भी हो, वह निर्णय स्थिति का निराकरण न भी हो, समाधान न भी हो, तब भी हमें परिवर्तित कर जाता है। जीवन में किसी भी रूप में आए अभाव को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति दीनहीन बन संकुचित बुद्धि होकर उससे बाहर आने का प्रयास नहीं करे। अभाव को स्वीकार करना दैव और भाग्य को स्वीकार करना नहीं है। अभाव को स्वीकार करना दैव और भाग्य को स्वीकार करना नहीं है। अभाव को स्वीकार रे अभी तो अपने से संवाद स्थापित करने जैसा है। जब आप अभावों को स्वीकार कर लेते हैं इसका मतलब आप अपने आप से संवाद स्थापित कर रहे हैं और ये किसी पुरुषार्थ से कम नहीं है। जब आप अपने आप से संवाद करने लग जाते हैं तो ये किसी पुरुषार्थ से कम नहीं है और आपने उन अभावों को एक तरह से स्वीकृति दे दी है, आपने उनको अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है क्योंकि आपकी संघर्ष चेतना समृद्ध है इसलिए आप उन अभावों को लेकर के निराश नहीं होते, हताश नहीं होते। अभाव को स्वीकार करके आत्मसंवाद करना और उस अभाव को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील होना यही संघर्ष जीवन को सुंदर बनाता है। आप उसके लिए आप उन अभावों को दूर करने के लिए जब प्रयत्नशील हो उठते हैं तो वो जो संघर्ष है आपका वो संघर्ष आपके जीवन को ज्यादा से ज्यादा भव्य और ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाता चला जाता है। कई बार ये भी होता है कि भौतिक रूप से हम जिसे अभाव समझ रहे होते हैं आत्मसंवाद में वह अभाव प्रतीत ही नहीं होता। जब हम अपने आप को टटोल करके देखते हैं, अपने आप से पूछते हैं, आपके पास में टीवी नहीं है, लेकिन जब भौतिक रूप से तो यह अभाव है, लेकिन आदमी जब अपने आप से संवाद करने बैठता है तब कई बार उसको यह लगता है कि ये तो कोई बात नहीं है। तो नहीं, अगर नहीं है मेरे पास में तो नहीं है। उस आत्म संवाद की स्थिति के अंदर वो अभाव उसको अभाव प्रतीत ही नहीं होगा, उसको लगेगा ही नहीं कि मेरे जीवन के अंदर ये अभाव है, क्योंकि वो आत्मसंवाद उस भौतिक अभाव के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदल देता है। जब वो अपने आप से संवाद करने लगता है तब उसकी सोच बदल जाती है, उसकी सोच बदलने लगती है, सोच के अंदर एक तरह की सकारात्मकता आने लगती है और वो सकारात्मकता उसे उस अभाव को अखरने नहीं देती, उस अभाव का उसे एहसास नहीं होने देती। यह हमारी सोच का विस्तार है और जो हमें भावनात्मक संकीर्ण और यह हमारी सोच का विस्तार है जो हमें भावनात्मक संकीर्णता से बाहर निकालती है। हम अपने आप को कोसना बंद कर देते हैं और स्वयं पर भरोसा करके आगे की राह खोजने निकल पड़ते हैं। मनुष्य की जय यात्रा का गान ऐसे ही अवसरों पर सुनाई पड़ता है। स्वयं को निराश, हताश और असहाय होने से बचा लेने का बोध ही मनुष्य की अपराजेयता है। मनुष्य की अपराजेयता जिसे हम कहते हैं वो अपराजेयता वो अपने आप को निराश नहीं होने दे, हताश नहीं होने दे, अपने आप को असहाय मान करके नहीं चले, यही उसकी अपराजेयता है।
इस अपराजिता की खोज ही उसके संघर्ष का सौंदर्य है, उसका सुख है। ठीक। कभी कभी मन में यह सवाल पैदा होता है कि संघर्ष करता हुआ व्यक्ति अच्छा क्यों लगता है। मैं समझता हूं संघर्ष करते हुए कभी कभी मन में यह सवाल पैदा होता है कि संघर्ष करता हुआ व्यक्ति अच्छा क्यों लगता है। मैं समझता हूं संघर्ष करते हुए मैं मौजूदा भौतिक यथार्थ को या तो नया रूप देने की कोशिश कर रहा होता है या अपने आप से लड़ते हुए अपनी सोच और समझ में गुणात्मक परिवर्तन कर रहा होता है। कहना होगा कि संघर्ष परिवर्तन का कारक होता है और जहां परिवर्तन है नयापन है वही सौंदर्य है, क्योंकि नयापन हमें लुभाता है, हम में खास तरह की इंद्रिय तृप्ति के लिए बेचैनी पैदा करता है। जहां वह तृप्ति प्राप्त होती है हम स्वयं को आनंदित अनुभव करने लगते हैं। यह आनंद अनिर्वचनीय होता है, बहुत कुछ वैसा जिसे हमारे यहाँ साहित्य के आचार्यों में रस कहा है। रस। संघर्ष व्यक्ति में संघर्ष व्यक्ति में वैचारिक परिपक्वता पैदा करता है। यह परिपक्वता कोई निर्जीव और तार्किकता लिए नहीं होती। मुक्तिबोध जिसे ज्ञानात्मक संवेदन कहते हैं लगभग वैसी होती है। ज्ञान युक्त संवेदनीयता जिसमें संघर्ष करते हुए व्यक्ति के प्रति पूरी आसक्ति करुणा और सहानुभूति दर्शाते हुए उसके संघर्ष की तार्किक परिणति की खोज की जाती है। संवेदनहीन और अतार्किक लोग संघर्ष को या तो भाग्यवादी दृष्टिकोण से लेते हैं या उसे प्रारब्धवाद या किए गए कर्मों का प्रतिफल कहकर आसान राह चुन लेते हैं। ठीक। ऐसा करते हुए वे लोग स्वयं की अकर्मण्यता को न्यायोचित ठहराने की कोशिश करते हैं। बिना काम धाम किए सुख सुविधाओं भरे जीवन को भला मानवीय जीवन की सार्वत्ता कैसे कहा जा सकता है। इसी के लिए भाग्यवाद या प्रारब्धवाद की अवधारणाएं गढ़ी जाती है। अन्यथा क्या कारण है कि जो रात दिन मेहनत करता है वह आवश्यक सुविधाएं भी नहीं जुटा पाता और जो कुछ नहीं करता वह अय्याशी में दिन गुजारता है। ऐसे लोगों का जीवन सुंदर नहीं बल्कि घृणित होता है। संघर्षहीन सुखी जीवन का आधार केवल और केवल शोषण परक अनैतिक और मूल्यहीन आचरण है। सच तो यह है कि ऐसा जीवन जीने की इच्छा ही कुत्सापूर्ण और विकृत होती है। संघर्ष व्यक्ति के व्यक्तित्व को विराट बनाता है, कौम को सामूहिक चेतना से संपन्न करता है। जो संघर्षशील होते हैं उनका व्यक्तित्व ज्यादा मुखर ज्यादा पारदर्शी और सामंजस्य परक होता है। एकल खोरे घर घुसरू और आत्मजति के शिकार लोग ज्यादा आकर्षित नहीं करते। अतः कह सकते हैं संघर्ष में आकर्षण आकर्षण भरपूर। संघर्ष स्थापित यथार्थ को चुनौती देने का संकल्प जगाता है। संघर्ष स्थापित यथार्थ को चुनौती देने का संकल्प जगाता है, उसे बदलने की राह दिखाता है। महात्मा गांधी कहा करते थे सत्याग्रही अपने मस्तक पर मशाल बांध कर चलता है, उसकी रोशनी में उसे अगले कदम के लिए रास्ता मिल जाता है। उसकी रोशनी में उसने उसे अगले कदम के लिए रास्ता मिल जाता है। प्रतिकूल स्थितियां ही संघर्ष की प्रेरक होती है। दो परस्पर विरोधी तत्वों वस्तुओं या व्यक्तियों की टकराहट ही संघर्ष नहीं है। श्री जी जी दो वस्तुओं की दो परस्पर विरोधी तत्वों वस्तुओं या व्यक्तियों की टकराहट ही संघर्ष नहीं बल्कि व्यक्ति का खुद से टकराना भी संघर्ष है। वस्तुओं की आपसी टकराहट तो नजर आती है, कभी दिखाई न देकर सुनाई पड़ती है, लेकिन व्यक्ति की अपने आप से जो मुठभेड़ होती है वह न दिखाई पड़ती है न सुनाई और न सुनाई पड़ती है। वह केवल उसी व्यक्ति को महसूस होती है जो संघर्ष का आश्रय भी है और आलंबन भी। इसलिए संघर्ष आत्मगत भी होता है और बहिर्गत भी। आत्मगत या आत्मसंघर्ष भी दो स्तरों पर घटित होता है।
इन दोनों स्तरों पर संघर्ष की पूरी तरह अमूर्त, एक भावनात्मक स्तर पर और दूसरा वैचारिक स्तर पर, इन दोनों स्तरों पर संघर्ष पूरी तरह अमूर्त होता है, लेकिन व्यक्ति को भावनात्मक और वैचारिक संघर्ष स्तर पर क्रमशः तरल और परिपक्व बनाता है। भावनात्मक संघर्ष भी आंतरिक और बाह्य होता है। आंतरिक भावनात्मक संघर्ष में व्यक्ति खुद अपनी भावनाओं की टकराहट झेलता है। सामान्यतः जिसे हम दुविधा, संशय, किम कर्तव्यता, पशोपेश, असमंजस, उधेड़ गुण कहते हैं, वह इसी भावनात्मक संघर्ष की आंतरिकता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि व्यक्ति को दूसरों के साथ भी भावनात्मक संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक जीवन में परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों, प्रेमियों से जो भावनात्मक द्वंद्व करना होता है, वह बाह्य भावनात्मक संघर्ष की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें कारण तो मूर्त होता है, सामने दिखाई पड़ता है, लेकिन कार्य यानी उससे होने वाले संघर्ष का परिणाम अमूर्त होता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि न निगलते बनता है न उगलते। ऐसे में प्रतिकूल भावनाएं होने पर भी सामाजिकता निभाने के लिए वह सब करना होता है जो व्यक्ति नहीं करना चाहता। यह स्थिति उसके व्यक्तित्व में कई तरह के अंतर्विरोध और दोहरापन पैदा करती है, लेकिन व्यवस्था के चलते उसे यह अभिशाप भोगना पड़ता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय या तो सामाजिकताओं का नकार है या सब कुछ छोड़कर जीवन से विरत हो जाना। बाबा जी बन जाइए, सन्यासी बन जाइए। जीवन की चुनौती स्वीकार करना, एकाकी जीवन की चुनौती स्वीकार करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता और कई बार मानवीय बोध ऐसा करने नहीं देता है। सामाजिकता भी मानवीय बोध का ही विस्तार होती है। जो लोग अपने इस बोध को जगाए रखना चाहते हैं, उन्हें बाह्य भावनात्मक संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। वैचारिक संघर्ष भी इसी तरह स्वयं से और दूसरों से होता है। संघर्ष का जो दूसरा प्रकार है वह बाह्य संघर्ष, जो कई रूपों में प्रकट होता है। सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, व्यावसायिक आदि। ऐसा नहीं है कि ये सारे संघर्ष व्यक्ति को एक साथ घेरे रहते हो या एक ही व्यक्ति को इनका सामना करना पड़ता हो। कई बार व्यक्ति को क्रमिक रूप से भी इनका सामना करना पड़ जाता है और कभी एक व्यक्ति को एक तरह से और दूसरे को दूसरी तरह से संघर्ष से साक्षात होना पड़ता है। संघर्ष के दिनों को व्यक्ति कभी खुद पर, कभी व्यवस्था पर, कभी ईश्वर पर, कभी समाज पर और कभी प्रकृति पर नाराजगी या गुस्सा प्रकट करते हुए बिताता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये संघर्ष के दिन ही उसे सबसे ज्यादा याद रहते हैं। उन्हीं की स्मृति के साथ वह अपने क्षणिक सुखों को जी भर कर जी लेता है। दुष्यंत कुमार ने ठीक ही कहा है, सुख दुख को बहुत सहेज के रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया संदिग्ध है। सुख क्षणिक होता है, इसलिए उसका आनंद भी क्षणिक होकर रह जाता है। जीवन का अधिकांश तो संघर्षों और उनसे उत्पन्न दुखों का पर्याय है, इसलिए दुख और संघर्ष ही जीवन को गतिशील और सक्रिय बनाते। विचारणीय यह है कि संघर्ष और क्रियाशीलता में परस्पर क्या संबंध है? संघर्ष और क्रियाशीलता में परस्पर क्या संबंध है? सुख क्या जीवन को निष्क्रिय बनाते हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर की खोज में संघर्ष का सौंदर्य प्रकट होने लगता है। क्या बात, हम सभी ने अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करते शिशु का अवश्य देखा है। इस कोशिश में वह जाने कितनी बार गिरता है, चोट लगने पर रोता है, उठता है, फिर गिरता है। उठने गिरने के इसी क्रम में वह अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है। जब वह खुद संघर्ष करके अपने पांव पर खड़ा हो जाता है, तब उसकी मुस्कान, उसकी खुशी, उसके चेहरे का तेज देखने लायक होता है। वह इस अतुलित
यह अतुलित आनंद उसे नई शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास, अपने संकल्पों को पूरा कर लेने का हौसला और आत्मनिर्भर हो जाने के एहसास से भर देता है। आपने ये भी देखा होगा कि अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश में बच्चा आपसे सहयोग नहीं चाहता। यदि हम उसे सहारा देने की कोशिश भी करते हैं तो वह हमारे हाथ को झटक देता है। यह उसका अपने शरीर से संघर्ष है जिसमें वह अपने आप को समर्थ और स्वावलंबी बनाता है। बार बार गिरकर उठते हुए वह स्वयं खड़े होने की युक्ति तलाशता है। कभी दीवार का सहारा लेकर या कभी और किसी तरह से वह खड़ा होना सीख जाता है और इसी तरह से गिरते पड़ते वह चलना सीख जाता है। यह संघर्ष उसे शिशु के रूप में निरंतर लेटे रहने वाली या गोद में चिपके रहने या घुटनों के बल रेंगने वाली दशा से बाहर निकालता है। इसका मतलब है संघर्ष जीवन स्थितियों को बदलने की समझ विकसित करता है। यह बात केवल बच्चों पर ही नहीं बड़ों पर भी लागू होती है। इलियड में ट्राई युद्ध में यूनानी लगातार हारते रहते हैं। ओमर का महाकाव्य में ट्राई युद्ध में यूनानी लगातार हारते रहते हैं। इसी दौरान लेकिन हेलेन को पाने के लिए वो निरंतर संघर्ष भी करते रहते हैं। और इसी दौरान ओडिसियस को काठ के विशाल काय घोड़े की युक्ति सूझती है और वे घोड़े के भीतर छिपकर ट्राई नगर में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरकीब से यूनानी ट्राई वासियों के ऊपर अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब है। निसंदेह निरंतर संघर्ष के चलते ही यूनानियों ने काठ के घोड़े की कल्पना को साकार किया। संघर्ष नवाचार के लिए प्रेरित करता है जो मानव समूह या समाज संघर्ष नहीं करते यथास्थितिवादी होकर जीने को अपनी नियति मान बैठते हैं और जो कुछ उन्होंने हासिल किया है उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानते रहते हैं। हमारे समाज की स्थिति देख लीजिए आप। संघर्ष से सूझबूझ पैदा होती है, वह नई शक्तियों और संस्कृतियों का अभ्युदय करता है। उदाहरण के लिए मध्यकाल में हिंदू संस्कृति के साथ इस्लामी संस्कृति ने यहां अपने लिए जगह बनाई तो दोनों में संघर्ष शुरू हुआ। यह संघर्ष राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और जीवन पद्धति के स्तर पर घटित हो रहा था। इस संघर्ष ने मुस्लिमों को विजेता और हिंदुओं को विजित बना दिया। विजेता और विजित की आपसी सांस्कृतिक टकराव ने जिस साझा संस्कृति को विकसित किया वह सूफी संस्कृति थी। यह सूफीवाद ईरान में भी इस्लाम और ज़रथुस्त्रवाद या कहना चाहिए पारसी धर्म के आपसी संघर्ष का प्रतिफल था, जिसने इस्लाम और वैदिक धर्म से मिलते जुलते ज़रथुस्त्रवाद से समन्वय पर बल दिया। एकेश्वरवाद, समन्वय, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, उदारता, सहिष्णुता को दोनों धर्मों की समान भावभूमि मानकर सूफियों ने उसे विकसित किया। यही विचार समन्वयवाद के रूप में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का मुख्य विचार बनकर भारतीय जनजीवन के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करता प्रतीत होता है। बहुत अच्छे हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के समन्वय ने मानव प्रेम की जो पृष्ठभूमि बनाई वह सभी तरह की संकीर्णताओं और कट्टरपन पर भारी पड़ी। इसीलिए जायसी कहते हैं मानव सुप्रेम भयो वैकुंठी नहीं तो काह छार के मुठी। यदि आदमी और आदमी के बीच आपसी प्रेम भाईचारा विश्वास न हो तो जिंदगी राग का ढेर है। यह वैचारिक उदात्तता संघर्ष प्रसूत है। और भी पहले की बात करें तो कठोपनिषद के नचिकेता को उसका भावनात्मक आत्म संघर्ष ही यम से साक्षात्कार के लिए प्रेरित करता है। उसके भावनात्मक संघर्ष की शुरुआत उसी दिन हो गई
जब उसके पिता उद्दालक अरुण यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों को बूढ़ी गाय दान में देते। हो सकता है उद्दालक अरुणी ने तत्कालीन कर्मकांडों के प्रति अपने विरोध दृष्टिकोण के चलते ऐसा किया हो। वे बूढ़ी गाय दान में देकर यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों को वैचारिक संघर्ष के लिए उकसा रहे हो और इस बहाने यज्ञादि कर्मकांडों पर प्रहार की युक्ति तलाश रहे हो। अनुचित दान देकर वह उन ब्राह्मणों को यज्ञादि कर्मकांड के औचित्य पर तर्क वितर्क करना चाहते हो। नचिकेता ने तो बाल सुलभ जिज्ञासा से अपने पिता से पूछ लिया था कि सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी आपने स्वस्थ गायें मेरे नाम पर क्यों रख ली। नचिकेता बचपन से बाल सभा परिवार की महिमा सुनता आ रहा था। अन्न का प्रचुर दान करने के कारण ही उसका कुल बाल सभा नाम से विख्यात हुआ था। ऐसे कुल के किसी व्यक्ति द्वारा गांव दान में बूढ़ी गायें दिए जाने पर बालक नचिकेता का प्रश्नाकुल हो जाना स्वाभाविक था। इसलिए उसने अपने पिता से पूछ लिया कि सर्वस्व दान में तो मैं भी शामिल हूं, मुझे किसे दान में दे रहे हैं बताइए। एक दो बार तो ऋषि उद्दालक बालक की जिज्ञासा समझ टाल गए होंगे, लेकिन नचिकेता ने बार बार प्रश्न पूछे जाने पर झल्ला कर कह दिया मृत्यु को। बच्चे का उक्त सवाल पिता से उसके संघर्ष का कारण बन गया। प्रश्नाकुलता संघर्ष का कारण होती है, इसलिए आमतौर पर लोग प्रश्न करना पसंद नहीं करते। इसलिए आमतौर पर लोग प्रश्न करना पसंद नहीं करते, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। प्रश्न करने से रोकना वैचारिक जनतंत्र के विरुद्ध है। जनतंत्र की मुख्य विशेषता है जनसंवाद। किसी को अपनी बात कहने से रोकना एक तरह की अनुदारता, असहिष्णुता, कठमुल्लापन, संकीर्णता और वर्चस्ववादी सोच का परिचायक है। वस्तुतः प्रश्न हमारे ज्ञान, अनुभव और विवेक की सीमाओं को प्रकट करते हैं, जो सामान्यतः हमें स्वीकार नहीं होता। तब हम प्रश्नकर्ता के आगे ही नहीं स्वयं की नजरों में भी बौने हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है याज्ञवल्क्य ने इसी आत्मसंघर्ष से बचने के लिए मैत्रेय को और प्रश्न न करने को कहा। बूढ़ी गाय दान में देने से जुड़ा वैचारिक अंतः संघर्ष ही नचिकेता को आत्मवेत्ता और मृत्युंजय बनाता है, उसे आत्मदीपोभव की स्थिति में पहुंचाता है। गौतम बुद्ध भी इसी वैचारिक संघर्ष से प्रेरित होकर बुद्धत्व के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए वह आत्मसंघर्ष के साथ बाह्य संघर्ष का सामना भी करते हैं। बौद्ध धर्म पर आधिकारिक रूप से लिखने वालों ने गौतम बुद्ध को एक राजनीतिक सुधारक कहने से संकोच नहीं किया। उनके अनुसार गौतम बुद्ध ने अमीरों और सुविधा संपन्न लोगों के विरुद्ध गरीबों, वंचितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए संघर्ष किया। जात पात को समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। कुछ लेखक बुद्ध का परिहास भी करते हैं, क्योंकि बुद्ध संघ के अधिकांश नेता संभ्रांत और विशिष्ट वर्गों से आए थे। आपसी सामाजिक अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप ही शिक्षित थे। ये लोग बुद्ध की इस बात के लिए निंदा करते हैं कि निर्धन और अभागे लोगों की उन्होंने उपेक्षा की और जातपात के नियमों या उनकी कठोरता को समाप्त करने अथवा कम करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग नहीं किया। ये एक भारतीय जो दर्शन परंपरा है उसके विख्यात लेखक जो है डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय, ये उनका कथन कर डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय का, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। जीवित बने रहने के लिए परिस्थितियों से की जाने वाली जद्दोजहद से लेकर निजी राग द्वेष से लड़ते हुए जीवन की बेहतरी के लिए किए जाने वाले सारे प्रयासों का प्रकटीकरण ही जीवन संघर्ष है। संघर्ष भाव दीप्ति पैदा करता है। संघर्ष की अभिव्यक्ति में आत्मसंघर्ष और बाह्य संघर्ष के सभी रूपों की अभिव्यक्ति शामिल है। जीवन संघर्ष केवल परिस्थितियों से लड़ना ही नहीं, वह अपने आप से लड़ते हुए स्वयं को अच्छा मनुष्य बनाने की प्रक्रिया भी है। महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग उनके इसी आत्मसंघर्ष की कहानी क्या है। एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए जो प्रयोग आवश्यक है, उन्हीं का खुलासा उन्होंने अपनी उक्त आत्मकथा में किया है।
उसकी प्रस्तावना में वह कहते हैं, लेकिन जब तक मैं इस सत्य का साक्षात्कार न कर लूं तब तक मेरी आत्मा जिसे सत्य समझती है उस काल्पनिक सत्य को अपना आधार मानकर, अपना दीप स्तंभ समझकर उसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। स्मरणीय है कि गांधी जी सत्य को ही ईश्वर कहते हैं। यह सत्य स्थूल वाचिक सत्य नहीं, यह तो वाणी की तरह विचार का भी है। यह सत्य केवल हमारा कल्पित सत्य ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्र चिर स्थायी सत्य है, अर्थात परमेश्वर ही है। जो विचार में है वही वाणी में हो, जो कहा जा रहा है वैसा किया ही जाए। यह संघर्ष ही व्यक्ति को महात्मा बनाता है। संघर्ष व्यक्ति को निराभिमानी, विनयशील, वचनबद्ध और दृढ़ विचारों वाला बनाता है। संघर्ष करता हुआ व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसके लिए भीष्म कहते हैं, सुखम यदि वा दुखम, प्रियम यदि वा प्रियम, प्राप्यम प्राप्यम उपाश्यते हृदयेन अपराजिता। संघर्ष और सौंदर्य में एक तत्व समान होता है और वह है परस्पर विरोध। जैसे परस्पर विरोधी तत्व संघर्ष के जनक होते हैं, वैसे ही उनका सामंजस्य सौंदर्य की सृष्टि करता है। इसलिए यह मानकर चलना चाहिए कि जहां संघर्ष है वहां सौंदर्य है। वाद प्रतिवाद से जैसे नए विचारों की राह खुलती है, वैसे ही परस्पर विरोधी भावों की टकराहट से नए भाव उत्पन्न होते हैं। परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष की परिणति सौंदर्य में होती है। संघर्ष व्यक्ति में भावनात्मक, वैचारिक और शारीरिक दृढ़ता पैदा करता है। संघर्ष सत्य के लिए प्रेरित करता है और आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण का मार्ग भी खोलता है। इस तरह सत्य और शिव भी संघर्ष में विद्यमान है। इस तरह सत्य और शिव भी संघर्ष में विद्यमान है। सत्य, शिव और सुंदर तीनों की अनवीति संघर्ष है। संघर्ष बुद्धि को प्रखर और व्यापक बनाता है। संघर्ष करता हुआ व्यक्ति बौद्धिक जड़ता से बचा रहता है, जीतने की इच्छा जगाता है। संघर्ष ही विजेता होने के अहंकार से बचाता है। टॉल्स्टॉय कहते हैं, मनुष्य जितना अधिक सौंदर्य भक्त होगा उतना ही अच्छाई से दूर होता चला जाएगा। इसका अर्थ है सौंदर्य प्रेमी लोग अच्छाई यानी मानवीयता, नैतिकता, सामाजिकता और मूल्य बोध से गहरा नाता नहीं रखते। ऐसी सौंदर्य दृष्टि रचनात्मक बिल्कुल नहीं होती। हाँ, भोगवादी हो सकती है, जिसके लिए रंग रूप, वाणी मिठास, चाल वाणी की मिठास, चाल ढाल और आचरणगत भव्यताएं ही सौंदर्य का मानक होती हैं। एक तरह से यह सामंती सौंदर्य चेतना है, जिसका एक प्रमुख लक्षण श्रम का निषेध है। सामंती चेतना में श्रम और संघर्ष को हेय दृष्टि से देखा जाता है। जाहिर है, जो श्रम को अपनी बेइज्जती समझते हैं और उससे अलगाव को वर्गीय श्रेष्ठता का सूचक मानते हैं, वह दैनिक जीवन के संघर्ष से एकदम अनजान होते हैं। इसलिए उनसे संघर्ष के सौंदर्य को जानने का अवसर ही नहीं मिलता और वह जानने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। संघर्ष वस्तुतः लोक चेतना का वाहक है। संघर्ष एक तरह का सृजन है जो स्थिति को गति प्रदान करता है, जीवन यथार्थ को विश्वसनीय और विविध रूपा बनाता है। सृजन ही सौंदर्य है। जहां संघर्ष नहीं वहां जीवन नहीं, गति जीवन है, स्थिरता मृत्यु। अतः जीवन में गति बनाए रखने के लिए संघर्ष जरूरी है, फिर चाहे वह व्यक्ति का स्वयं का हो अथवा अपनी परिस्थिति में परिस्थिति। बहुत अच्छा। एक छोटा सा प्रश्न जी। सारी बातों से दिल से सहमत हो तो भी छोटा सा प्रश्न अटक, प्रश्न तो होना ही चाहिए। वो प्रश्न ये अटक रहा है कि जब हम ये कहते हैं कि मुक्ति प्रसंग जो है हमारा, उसका घटक संघर्ष है,
मुक्ति चेतना, मुक्ति चेतना कहते हैं। और साथ में आप जोड़ते हैं जीवन में अभावों की स्वीकृति, उसके साथ एक शब्द और जोड़ते हैं कि आप आत्मसंवाद भी करते हैं। तो ये जो अभावों की स्वीकृति वाला पक्ष है, वहां तक अगर हम खड़े होकर सोचते हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आदमी अनुकूलन की तरफ चला गया, सरेंडर हो गया और उसका संघर्ष बाधित हुआ। मैं समझता हूं कि जीवन के अंदर जी किसी तरह के अभाव है जी, तो हम आत्मसंवाद करते हुए कहीं कहीं उन अभावों के कारणों की खोज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और जब हम उन कारणों को खोज लेते हैं तब हमें कई बार ये भी लगता है कि मैं जिसे अभाव मान करके चल रहा हूं वो अभाव है ही नहीं, है ही नहीं। मैं आगे मैंने इस बात को भी कहा जी कि हम जब अपने आप से संवाद करते हैं जी अभावों को लेकर, तो उस संवाद के दौरान हमें ये कई बार लगता है कि जिस चीज को मैं अभाव समझ रहा हूं जी क्या वो वाकई अभाव है। और जब मुझे ये लगता है कि नहीं ये वाकई अभाव नहीं, तो फिर हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाता है। हम उस अभाव को अभाव समझते ही नहीं है। ठीक है भाई, मैं एक एक गांधी जी के जीवन से ही एक उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है जी, गांधी जी ने अपने इस देश की आजाद कराने के लिए अपनी बैरिस्ट्री अच्छी बनी जो बैरिस्ट्री छोड़ गया, और उस अच्छी भरी बैरिस्ट्री को वो जो है ना छोड़ करके जी और इस देश के अंदर चले आए, और यहाँ आकर के जब यहाँ के जनजीवन के साथ पे उन्होंने साक्षात्कार किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं, मेरी जरूरत इस देश के लोगों को ज्यादा। तो अपनी तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर, सारे अभावों को अपनाते हुए, तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ करके वो जिस राह पर चल पड़े, वो राह उनको जो है कहीं पर ये एहसास होने ही नहीं देती है कि उनके जीवन के अंदर कोई अभाव। सही कहा। ऐसे ही हम सामान्य जीवन के अंदर भी देख लेते हैं कई बार। मैंने जो है वो अपने एक आलेख के अंदर जो है संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं उनका एक उल्लेख किया, वो 10वीं शताब्दी के कवि हैं, तो वो एक श्लोक है उनका। उस श्लोक के अंदर वो कहते हैं जी कि वो परदेश के अंदर जो एक व्यक्ति कमाने खाने गया है, उसकी पत्नी घर के ऊपर अपने छोटे से बेटे को ये कह रही है कि तुम्हारे पिता जब परदेश से लौट करके आएंगे वो खूब सारा धन कमा करके लाएंगे, मैं तुम्हारे लिए नया कठुला लेकर के आऊंगी, मैं कपड़े खरीदूंगी, तुम्हें जो है अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊंगी। ये बात जो परदेश में गया हुआ व्यक्ति है वो दरवाजे के ऊपर खड़ा सुन रहा होगा, और जब अपनी पत्नी की ये बात वो सुनता है तो बिना अपने बेटे और अपनी पत्नी से मिले हुए वापस लौट जाता है। आप देखिए वो कितना जो है ना मार्मिक और हृदय द्रावक दृश्य है जिसके अंदर वो वर्षों बाद अपने बेटे और पत्नी से मिलने के लिए आया है,
और जब चिंता है अपनी पत्नी की मुंह से अपने बच्चे को बहलाने के लिए ये सारी बातें, तो उसको कहीं कहीं पर ऐसा अपराध बोध महसूस होता है कि मैंने ये कह दिया, अभाव था जिंदगी के, अभाव वो जो अभावों से घिरी हुई जिंदगी, उस अभावों से घिरी हुई जिंदगी का चित्र। लेकिन प्रश्न यही है कि अभाव तो अगर आप अभाव मान करके चल रहे हैं तब तो संघर्ष खत्म, तब तो आपका संघर्ष खत्म हो जाता है। और अगर आपने अभाव नहीं माना तो आप उन अभावों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील भी जरूरत है। इसीलिए चाणक्य जो है एक बात कहते हैं कि कर्मठ आदमी को दारिद्र्य कभी नहीं सता। कर्मठ आदमी जी संघर्षी संघर्षी जी जी, मतलब वो प्रसन्न तो आया है लेकिन कहीं मुझे समझता है कि वो प्रसन्न थोड़ा सा कहीं दूसरी बैकग्राउंड में उसको स्पेस कम मिला है। मिला तो है, जब आप ये कहते हैं कि वो बच्चा निरंतर प्रयत्नशील है, उसका अपने शरीर से ही संघर्ष मांगी ठीक, और वो उस बिंदु पर आ जाता है कि वो किसी युक्ति तलाश लेता है और अपने आप को विजयी महसूस करता है और उसके चेहरे पर उल्लास भी आता है, तो ये उसका निजी अनुभव है, एहसास विजेता हो जाता है। आप देख रहे हैं उसको आप उसके संघर्ष के सौंदर्य को कैसे महसूस करेंगे या आप करेंगे ही नहीं? नहीं, मैंने उसके संघर्ष के सौंदर्य को महसूस किया, उसके चेहरे के ऊपर छाई हुई खुशी को देखकर, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को देख करके, उसके अंदर जो अपने अपने संकल्पों को जी लेने की जो है एक उत्कट जो इच्छा पैदा हुई है उसको देख करके, उसके अंदर वो जो विजेता होने का जो भाव पैदा हुआ है वो सब उसके उसके संघर्ष का सौंदर्य, मतलब जो उसमें उत्साह नजर आया उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर जहाँ उसकी उसकी हंसी, जहाँ वो उसकी प्रसन्नता, जहाँ आप ये चाहने लगते हैं कि इसको थोड़ा सपोर्ट करूं, वहां पर वो विरोध कर रहा है, वो हाथ झटक देगा, जो ऊर्जा उसने अपने यहाँ अपने भीतर जो पैदा किया, अपने भीतर जो आत्मविश्वास हो गया, उससे उससे आप कितने उत्साहित और उल्लासित होते हैं, ये यही सौंदर्य, यही है उस संघर्ष का सौंदर्य। ठीक, कोई चीज या कोई स्थिति मेरे मुताबिक चल रही है और मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं, आपके लिए अभाव को भी स्वीकार कर रहा हूं, उन स्थितियों को भी स्वीकार कर रहा हूं, तो क्या उसके बाद भी मेरे अंदर संघर्ष पैदा होगा? आप यथास्थिति वाली, जब सारी स्थितियां आपके अनुकूल, जब अभाव अभाव को नहीं, जब आप जब सारी स्थितियां आपके अनुकूल चल रही हैं और आप उनको स्वीकार कर रहे हैं तो आप उनको बदलने के लिए प्रयत्नशील होंगे, तो बदलना चाहेंगे आप नहीं, आप तो यथास्थितिवादी हैं। भाई बदलने की कोशिश तो आदमी वहां पर करता है जहां स्थितियां उसके प्रतिकूल होती हैं, और जब देखिए क्या है कि जब प्रतिकूल स्थिति, जब प्रतिकूल स्थितियां होंगी तब ही संघर्ष, तब ही उसका बाह्य और आंतरिक संघर्ष प्रकट होगा। अनुकूल स्थितियां होने के ऊपर तो वो अपने आप को, आप धारा की दिशा के अंदर बहते चले जा रहे हैं, संघर्ष तो आप जब धारा के विरुद्ध तैरते हैं तब प्रकट होता है, तभी पता चलता है कि आपके अंदर कितना हौसला है, तभी पता चलता है कि आप विरुद्ध धारा से कितना लड़ सकते हैं, तभी पता चलता है आपका साहस आपको जो है वो किनारे पर पहुंचाने की शक्ति दे रहा है। और सामान्य तौर पर
जो धारा के विपरीत तैरते हैं, किनारा उन्हीं को मिलता है। संघर्ष वही करते हैं, संघर्ष भी वही करते हैं और किनारा भी उन्हीं को मिलता है, क्योंकि धारा के अनुकूल तैरने वाला जो होता है वो किनारा प्राप्त नहीं कर पाता, वो धारा के साथ में बहता चला जाता, वो किनारा पकड़ पहुंच नहीं पाता, जो विपरीत दिशा में तैरेगा वही किनारे पर पहुंचेगा। ये एक तैरने वालों का सामान्य वो है, ये कोई मेरा बोध नहीं, ये तैराक जो होते हैं ना उनका उनके एक सामान्य समझ है, उनका कॉमन सेंस है, गोताखोर होगा इनका। वो भी आप देखिए कि जब कभी भी आप धारा के विपरीत तैरेंगे तभी आप जो है वो किनारा पाए, तो या विपरीत तैरने वाले लोग ही किनारे पर पहुंचते हुए आपको दिखाई पड़े। बहुत ही एक गूढ़ विषय जो आपने लिया उसको जो है इतने दृष्टांतों से इसको इतना सरल बना दिया कि कोई भी सामान्य आदमी भी इसको इस विषय को समझ लेगा। और मैं तो एक इसमें थोड़ा सा सुझाव दूंगा कि ये संघर्ष जो है संघर्षशील व्यक्ति को किस रूप में रूपांतरित करता है, जगह जगह आया है आपके आलेख में, कि जैसे शुरू में जो है आपने कहा कि भाई सहिष्णु बनाता है, समन्वयवादी बनाता है, समन्वय है ना, तो संवेदनशील बनाता है, ये रहे कि संघर्ष से आदमी में ये रूपांतरण आता है। अच्छा सुझाव है ना, तो ये लगे कि भाई संघर्ष से संघर्षशील व्यक्ति में बेसिकली रूपांतरित क्या हुआ, तो क्यों करेगा वो अगर संघर्ष में कोई रूपांतरण ही नहीं है। तो दूसरा ये है कि थोड़ा सा मुझे ये मतलब थोड़ी सी बात जो कम जम रही है वो ये है कि जैसे आपने यहाँ कहा कि भाई अपने यहाँ वर्ण व्यवस्था को ले लीजिए, तो वर्ण व्यवस्था में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि कुछ वर्णों में जो लोग ठहराए गए हैं वो संघर्ष उनके लिए जरूरी नहीं है, यानी जैसे वो श्रम नहीं है तो संघर्ष नहीं है, और कुछ वर्ण में ऐसे कह रहे हैं जिनके श्रम ही श्रम है, तो इसका मतलब तो क्या मतलब जहां श्रम नहीं है वहां संघर्ष नहीं है। नंबर एक, नंबर दो कि सामंती व्यवस्था जैसे आप कहते हैं संघर्ष को नकारती है, तो सामंती व्यवस्था में जो लोग उसमें लगे हुए हैं वो भी अपनी यथास्थिति को बनाए रखने के लिए किसी न किसी रूप में संघर्ष करते हैं, चाहे वो उसका परिणाम आम जनता के लिए नकारात्मक हो संघर्ष, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगा है कि भाई कुछ लोग तो जो है ना संघर्ष के बगैर ही जीवन चुके हैं, ऐसा नहीं है। जैसे दो तरह के संघर्ष बताए आपने, भौतिक और आत्मिक, तो भौतिक संघर्ष न दिखता हो तो आत्मिक संघर्ष तो रहता ही होगा आदमी। और एक बात अंतिम जो है वो ये है कि सारा रूपांतरण तो समझ में आता है, पर अहंकार रहित आदमी हो जाए संघर्ष के सौंदर्य में, तो मुझे समझाए कि भाई क्योंकि अहंकार तो एक ऐसी चीज है कि वो कोई ऐसी मतलब पदार्थ तो है नहीं कि आ गया और रख लिया, अहंकार तो एक घटनाओं की श्रृंखला है, घटनाओं की श्रृंखला है कि ये घटना हुई अहंकार जागा, ये घटना खत्म हो गई अहंकार गया, फिर दूसरी घटना घट के फिर अहंकार जागा। तो मुझे नहीं लगता कि संघर्षशील आदमी अगर वो अपने संघर्ष में सफल होता है तो सारे रूपांतरण मुझे समझ में आता है, वो सहिष्णु भी होगा, समन्वय भी होगा, उदार भी होगा, सब कुछ होगा, पर चूंकि अहंकार निरहंकारिता तो प्राप्त करना, तो चूंकि व्यक्ति के जीवन में घटनाओं का क्रम तो रहेगा और घटनाएं तो आदमी को अहंकार में लाती ही है, बहुत कम ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अहंकार रहती है, तो थोड़ा सा मुझे मैं सबसे पहले आपका ये जो अहंकार वाला प्रश्न है इसी को लेता हूँ, और मैंने एक जगह इसके अंदर ये बात कही है कि जो संघर्ष हुआ है
वो व्यक्ति के अंदर से उसके मैंपन को खत्म कर दिया। ये बात मैंने अहम को, हाँ, मैं उसके अहम को खत्म करता है, उसके अहम का जो है ना वो तिरोभाव करता है। कारण क्या है, देखिए अहम जो है वो तब तक आदमी का पीछा करता रहता है जब तक आप ये मान करके चलते हैं कि अमुक अमुक काम का कर्ता मैं हूं, अमुक घटना के अंदर मैं किरदार हूं। तो जब तक आप अपने आप को जो है वो इस रूप में पेश करते हैं कि मैं इस किरदार हूं, मैं करता हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तब तक उसकी जो है वो व्यक्तिगत चेतना उसके ऊपर हावी रहती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि संघर्ष उसकी जो व्यक्ति चेतना है, उसका उसका जो मैंपन है, उस मैंपन को जो है ना वो रिड्यूस कर, वो उसके व्यक्तित्व, वो उसके व्यक्तित्व को सामूहिकता प्रदान करता है, उसके व्यक्तित्व के अंदर सामूहिकता का भाव लाता है, समष्टि उसके अंदर जो है समष्टि चेतना जगाता है। और समष्टि चेतना जब आपके भीतर जाती है, आप जब अपने आप को सामूहिकता का हिस्सा मान करके चलने लगते हैं, तो आप अपने आप को अहंकार से नहीं समझने लगते, क्योंकि वो जो व्यक्ति चेतना है वो व्यक्ति चेतना ही उसके अहंकार का, उसके अभिमान का, उसके उसके अस्मि भाव का, उसके हूंपन का बोध कराती। और जब वो व्यक्ति चेतना उसके अंदर नहीं हो तो वो वही बात कि हम जो है वो अपने आपको, अपने आप को जो है वो जगत के का हिस्सा मान करके चले, अपने आप को समाज का हिस्सा मान करके चले, हम अपने आप को इन परिस्थितियों का जो है वो एक टूल मान करके चले। अगर आप अपने आप को जो है वो परिस्थितियों का, अपने परिवेश का आप जो है टूल नहीं मानते, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर वो जो है वो आप जब ये कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, आप क्या है करने वाला, वही पीके फिल्म का जो है ना वो डायलॉग, कि वो पीके फिल्म के अंदर वो पीके कहता है, बोले इस समुचे जो है ब्रह्मांड के अंदर एक एक छोटा सा गोला, इस छोटे से गोले के अंदर एक छोटा सा जो है ना देश, इस देश का एक छोटा सा राज्य, उस राज्य का एक छोटा सा शहर, उस शहर का एक छोटा सा जो है ना मोहल्ला, उस मोहल्ले के अंदर एक छोटा सा घर, और उस घर के अंदर रहने वाला एक छोटा सा व्यक्ति। क्या है वो, क्या है वो? यहाँ मुझे मतलब ये लग रही है कि आपने एक शब्द यूज किया आत्मचेतना, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जब आदमी इस यात्रा पर शुरू करेगा तो आपने चिंतन किया इससे वो गुरु होगा, या और सरल कहते हैं अपने आप से संवाद करेगा या एनालिसिस करेगा, तो पहला माइलस्टोन जो आता है उसके जीवन में वो आत्मचेतना होती, आत्मचेतना की यात्रा में भी वो सबसे पहले अपने अहम पर ही चोट करेगा, वरना तो वो चेतना अपने उसको चिंतन कर ही नहीं सकता। भाई आदमी चिंतन कब करेगा, जब तक कि वो अपने अहम को भी नहीं अपने आप में स्वीकार दे कि यार यहाँ मैंने ये करा, ऐसा सोच रहा हूँ। तो बात आप वाली है, थोड़ा सा मैं उसको शायद थोड़ा सा बदल के कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि जब तक ये सेंस डेवलप होगा उसमें कि वो आत्मचिंतन प्रक्रिया से जुड़ेगा और करने लगेगी सब अभ्यास, तो सबसे पहले उसका जो प्रहार होगा
वो उसके अपने अहम पर टूट होगा, क्योंकि अहम नहीं टूटेगा तो वो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा उसे। लेकिन लेकिन सोशियोलॉजी में बात होता होगा, आपने सुना कि प्रक्रिया शुरू होने के अंदर अहम पर प्रहार होने का मतलब यह नहीं है कि उसका अहम टूट गया है, वो बहुत अंतिम स्टेज होती है जहां जाकर के जो है। देखिए पहली कुदाल तो मारी नहीं, वो कुदाल आप मार लीजिए, कुदाल मारने से नहीं होता है। नहीं तो वो क्या है कि भाई जो आत्मचिंतन है वो आत्मचिंतन तो एक तरह से आपका जो है ना वो प्रस्थान बिंदु है, ठीक है, जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं, और उस शुरुआत के अंदर जो है ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो अपने अहम को जो है ठीक वो खत्म कर दे। मैं एक उदाहरण देता हूँ जैन धर्म का, ठीक है, जैन धर्म का ही भरतेश्वर और बाहुबली, बाहुबली भाई थे भरतेश्वर, तो बाहुबली जो है उनको बाकायदा राज्य से निष्कासित होने का जो है आदेश दे दिया गया था भरतेश्वर के जी, बाहुबली वो चले गए, चले गए तो वो जो है ना खूब तपस्या की उन्होंने, बहुत कठोर तप किया, बड़े साधक बन जाने के बाद ये जो है सारे लोग उनसे मिलने जुलने के लिए, परिवार के लोग भी मिले उनसे मिलने के लिए, परिवार के लोग उनकी बहन भी उसमें शामिल की, जो कहानी मैंने पढ़ी उसके अनुसार तो वो जो है ना उनके जो भाई थे भरतेश्वर, उन भाई से जो है ना वो भाई भी उनके पास में गए मिलने के लिए, तो वो भाई से नहीं मिलना चाहे, तो बहन ने कान में जाकर के कहा बड़ी साहती से नीचे उतरो, बहन ने कान में जाकर के कहा बोले इस हाथी से नीचे उतरो, कब महात्मा बनो, वो हाथी क्या है वो अहंकार का है, वो तो है। मैं ठीक बता रहा हूँ कि ये कहानी दूसरी तरह से भी है, ठीक है, हाँ। भी है। तो ये जो चीज है आप देखिए, यार एक तपस्या का अंतिम बिंदु आ गया और वहां पर भी आप जो है ना उससे मुक्त नहीं हो पा रहे, सही, तो ऐसा नहीं है कि उससे इतनी आसानी से आदमी मुक्त हो जाए। उससे मुक्ति का मतलब सक्सेना जी यही है कि आप अपने आप को जो है वो समाज का हिस्सा मान कर, व्यक्ति अपने आप को समूह का हिस्सा मानने लग जाए, यही उसकी मुक्ति है। यही सुकरात का एक किस्सा आता है, सुकरात से वहां का सम्राट मिलने गया, अब सुकरात तो सुकरात भाई जैसे दूसरा है वो वैसे सम्राट है, ठीक है, अब वो खड़ा रहा, वो सम्राट ये अपेक्षा है कि भाई मुझे बुलाएगा, मुझे आसन पे बिठाएगा, मेरी वो कहेगा है, तो सुकरात ने कहा कि परेशान क्यों हो रहे हो, बैठ जाओ, बैठ गए, सही बात है, बैठ गए। बैठने के बाद सुकरात ने कहा कि आपसे कहा ना बैठ जाओ, तो बैठ तो गए, आपका शरीर बैठे आप नहीं बैठे, आप भी बैठो ठीक है। और वो जाने लगा ना, तो जाने लगा तो वो तिंगला है सम्राट, तो जाने लगा तो उसको रोका दिया, नक्शा दिया, ये पूरी पृथ्वी का ये नक्शा है, इसमें तुम्हारा देश कहाँ है मेरे, ये इसमें तुम्हारा शहर कहाँ है वही बात ये है, फिर तुम्हारा महल कहाँ है, तो फिर ये कहा कि भाई तुम्हारा कहना ये, तो वो क्या है कि नक्शे में एक बिंदु भी नहीं लगे इतना सब, तो वो जाने लगा, तो फिर इस नक्शे को साथ लेगा, कोई बात अगर तुम्हारा अहम तोड़ना हो तो इस नक्शे को साथ रखना और ध्यान रखना कि इस जगत की आप दूरी हो, जगत आपकी दूरी, सही बात,
अरे आपके अंदर अगर आपका आपका जो है ना, अगर कर्ता का बोध में आपका खत्म नहीं होता है, आप क्या है? सबसे बड़ा दुर्गुण बताया है, मतलब आदमी को ज्ञानवान होने में रोकने के लिए सबसे बड़ा दुर्गुण है। आप क्या है? आप परिस्थितियों के, आप परिस्थितियों के एक जो है ना पुर्जे है, बिल्कुल एक पुर्जे है परिस्थितियों के। वो परिस्थितियां जो है ना, वो जिस तरह से आपको संचालित कर रही है, उस तरह से आपसे आपके आपके कथनानुसार अहम शून्य व्यक्ति संघर्ष कर सकता है? नहीं नहीं, शून्य अहम शून्य, अहम शून्य हो जाना तो जो है ना वो परमेश्वर हो जाना है। संघर्ष की स्थिति, अहम शून्य हो जाना तो परमेश्वर हो जाना है। संघर्ष अहम पर चोट लगती है तब भी संघर्ष पैदा होता है। संघर्ष तो बिना चोट के भी वो जो है ना, वो आप जिस सेंस के अंदर संबंध में उस बात को कहना चाहते हैं, वो क्या है कि वो उसका उसका जो है ना, उस संघर्ष का कहना चाहिए कि बहुत बहुत उथला रूप है, बहुत उथला रूप है उसका। कि आप जो है ना, किसी ने आपको गाली दे दी, उससे आपका जो है ना अहम चोटिल हो गया, और आप उससे तो आप क्या करेंगे, उससे उसके कारण संघर्ष करके आप उससे प्रतिशोध लेंगे, वो संघर्ष आपको प्रतिशोध की तरफ लेकर के जाएगा, वो संघर्ष आपको ईर्ष्यालु बनाएगा, वो संघर्ष आपके अंदर संकीर्णता पैदा करेगा, जबकि संघर्ष जो है ना वो संकीर्णता पैदा कर नहीं करता, वो संघर्ष है भी नहीं, वो संघर्ष नहीं, तो प्रतिशोध है। आज हमारे बीच डॉक्टर मनु शर्मा ने जो अपना आदेश पढ़ा, वो बहुत ईमानदारी से आत्मसात करने का विषय है, चिंतन का विषय है, सोचने और समझने का विषय है। इस आयोजन में हमारे साथ जो भागीदारी जिन्होंने निभाई, डॉक्टर पीसी जैन आदरणीय ब्रजराज जी स्नेही, देवेंद्र जी जोशी गर्वित, ये बड़ा नए जवान नौजवान बच्चा है लेकिन इसने बड़ा, फिरोज भाई हैं हमारे, ये कविताएं अच्छी लिखते हैं, ये थिएटर बहुत अच्छा करते हैं, और नई पीढ़ी के एक पहलुआ है एक तरह से, जो सोचते समझते हैं, इसलिए हम इनको भी अपने साथ रखकर खुश महसूस होते हैं, एक अपनापन देते हैं। तो इस सब के लिए, आज इस कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर मनु शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही है।